मैं धन्यवाद करना चाहूँगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा को, पूरे परिवार को, जिसके माध्यम से देश के अंदर घर घर तिरंगा का जो अभियान चलाया गया है। मैं अमर उजाला, जो बहुत पहले से माँ तुझे सलाम के माध्यम से अपना कार्यक्रम करता है, आज पूरे देश के अंदर जिस उत्साह के साथ घर घर तिरंगा लगाने का अभियान चल रहा है, आज़ादी के मायने क्या है? यदि सही मायने में हम लोग देखें तो आज़ादी के मायने यदि हम लोग को समझने हैं, देश का वो जवान जो देश की आज़ादी के लिए, वो क्रांतिकारी जिन्होंने अपना बलिदान देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी शहादत दी, हम उनके परिवारों से पूछ सकते हैं, जो बलिदान करके उन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए, हमारी सीमाओं पर जिस तरह से हमारे जवान सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर अपने तिरंगे के सम्मान के लिए हमारी सीमाओं पर डटे रहते हैं, आज़ादी के मायने हमें समझने होंगे उन लोगों से। आज़ादी के मायने में सही मायने यदि हम देखें तो देश जो हमारे लिए सबसे पहले है, देश की रक्षा, देश के बारे में सोचना। और मुझे लगता है कि जब हम देश हित में, देश राष्ट्र के हित में हम लोग हमेशा बात करेंगे, अपने आचार विचार और व्यवहार से हम लोग हमेशा राष्ट्र हित में काम करें, मुझे लगता है कि हम लोग हमेशा अधिकारों की बात करते हैं। अच्छी बात है, अधिकारों की बात करनी चाहिए, लेकिन अधिकारों के साथ साथ जो हमारे कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि जितनी भी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचती है, हम लोग ये ध्यान रखें कि हर सरकारी संपत्ति हम सबके पैसे से बनी हुई है, हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। आज हम आज़ाद हैं, ये देश आज़ाद है, लेकिन इस आज़ादी के लिए कितने हमारे वीर शहीदों ने शहादत दी है। हम लोग को अपने देश के लिए, अपने मान सम्मान और स्वाभिमान, ये तिरंगा जो हमारे सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है, इसके लिए, इसकी सुरक्षा के लिए हम लोग को प्रयत्न करते रहना चाहिए। और मैं आग्रह करूँगा कि हम लोग राष्ट्रहित सर्वोपरि लेकर हम लोग हर कार्य अपना करें, मेरा यही आग्रह। और मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा अपने देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्र अमर उजाला का, जो ऐसे अभिनव प्रयास के द्वारा जिन्होंने एक ऐसा अभियान चलाया जो हर राष्ट्र प्रेमी को प्रेरित करता है, उत्साहित करता है। मैं पुनः आपको नमन करता हूँ। आज़ादी के मायने हैं कि एक ऐसा मुल्क जिसमें वहाँ के रहने वाले निवासी खुली हवा में सांस ले सके, अपना देश, अपनी माटी, अपना कानून, अपना सब कुछ, उसका सुख उनको मिल सके। गुलामी में जितना यातना, जितनी त्रासदी इस देश ने झेला है, तो उसके बाद जो आज़ादी मिली है निश्चित ही 125 करोड़ देशवासियों के लिए उससे बड़ा कोई वरदान नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता। कहने को गुलामी के बाद जो भारत है वो एक ऐसा भारत है जो अब दुनिया की ताकत है। अब उसमें किसी के देश की हैसियत नहीं कि भारत की तरफ आँख उठाकर देख सके। अब भारत के लोगों ने अपने पैरों पर खड़ा होना और जीना सीख लिया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।